हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राठौर गर्ल व्लॉग्स। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आपको मैं बताने वाली हूँ बेसिक मेकअप के बारे में। सो बेसिक मेकअप में क्या क्या स्टेप रहते हैं वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा, और क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं उसका वीडियो आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम एक बैंड लगा लेंगे, सो दैट हमारे हेयर्स जो है मेकअप के टाइम हमारे फेस को डिस्टर्ब ना करें। तो सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से जो है अपने फेस वॉश से क्लीन करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ बॉडी शॉप का मॉइस्चराइजर, जिसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे। फेस को जो है जेंटली अपने फेस पे आप अप्लाई करेंगे। आप मॉइस्चराइजर की जगह प्राइमर भी यूज कर सकते हैं, लाइक प्राइमर भी आता है फाउंडेशन से अप्लाई, फाउंडेशन से पहले उसको अप्लाई किया जाता है, आप प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हम अभी हम बेसिक मेकअप किट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रीम आप अपने किट में ऐड कर सकते हो और क्रीम लगा सकते हो, मॉइस्चराइजर क्रीम। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, अप्लाई कर लिया है। अब टाइम है फाउंडेशन अप्लाई करना, एप्लीकेशन लगाने वाले हैं फाउंडेशन की। तो मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन, इसके साथ स्टिक भी मिलती है। तो ऐसे डॉट डॉट करके जो है आपको अपनी स्किन पे लगाना है। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे, ऐसे करके डॉट डॉट लगाना है। दो तीन डॉट्स अपने नेक में लगाएंगे आप, सो दैट हमारे फेस का मेकअप और हमारे नेक का जो बेस है वो इक्वल नजर आए स्किन का। ये आप देख सकते हैं मैं यूज करने वाली हूँ ये स्पॉन्ज, क्योंकि आप परचेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ब्लेंडिंग अच्छी होती है हमारे मेकअप की, बेसिकली फाउंडेशन की। ये फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। तो हमने इसको ऐसे हल्का हल्का डैब 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 करके मसल के डैब 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 करके अच्छे से इसको स्प्रेड करना है अपनी स्किन पे। आप देख सकते हो मेरी स्किन का टेक्सचर धीरे धीरे स्मूथ और क्लियर होता जा रहा है। और अपने डार्क सर्कल पे भी लगाएंगे आप अंडर और योर आई। तो आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा फाउंडेशन है वो अच्छे से मेरी स्किन में मर्ज हो गया है। तो मेरी स्किन में जितने भी स्पॉट्स थे वो फाउंडेशन की हेल्प से हाइड हो गए हैं। स्पॉन्ज से ज़्यादा बेटर लगता है अपने फाउंडेशन को स्किन पे अप्लाई करने में। यहाँ मेरा फाउंडेशन जो है गाइस अच्छे से स्टिक हो गया है मेरे फेस पे। फेस पाउडर है जो कि मेरे स्किन के अकॉर्डिंग है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही प्लीज सिलेक्शन करें अपने सारे मेकअप आइटम्स का और अपने बेसिकली फाउंडेशन का। तो ये आप देख सकते हो इसमें इस तरीके से है। तो यहाँ फाउंडेशन है और यहाँ पीछे मिरर के साथ यहाँ पर ये दिया गया है जिससे हम अप्लाई करेंगे। सो सेकंड स्टेप यही है कि जब आप फाउंडेशन लगा लेंगे तो फाउंडेशन के ऊपर आप जो है फेस पाउडर से अपना फाउंडेशन को सेट करेंगे ऐसे ऐसे करके। हमने ज्यादा ज्यादा भी नहीं अप्लाई करना, इतना अप्लाई करना है कि जिससे हमारा जो फाउंडेशन है अच्छे से सेट हो जाए। और वो उभरा हुआ ना लगे। सो आई गेस आई हैव अप्लाइड मच फेस पाउडर टू सेट फाउंडेशन ऑन माई स्किन। फेस पाउडर को आप अच्छे से अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया अपने स्किन पे, देन फाउंडेशन। फाउंडेशन को सेट करने के लिए हमने किया फेस पाउडर का यूज, जिससे जो है हमारा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो गया, उभरा हुआ नहीं लग रहा, हमारी स्किन को एकदम अच्छे से स्मूथ वाला जो है टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा है एज यू कैन सी।
और अब हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे ब्लशर, जिससे हमारे चीक्स थोड़े से क्यूट लगेंगे। इसलिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लशर, जो हाइलाइटर का भी काम करता है। तो और मैं साथ में यूज कर रही हूँ ब्रश का, इससे हम ये रेड कलर, पिंक कलर, रोजी पिंक कलर का जो है ब्लशर यूज कर रही हूँ। इसको इस तरीके से ऐसे आपने करना है। अप्लाई करने से पहले आपको इसको ऐसे हल्का सा जो है झाड़ लेना है, इस तरीके से करना है, सो दैट एक्स्ट्रा ब्लशर आपकी पूरी स्किन पे स्प्रेड ना करे। लाइक यू नीड टू डू दिस वन थिंग, देन यू हैव टू डू लाइक दिस थिंग, देन स्लोली जो है आपको ऐसे करके अप्लाई करना है। आई होप इट्स विजिबल, इस पूरे एरिया को ऐसे करना है। तो इससे आपके जो चीक्स हैं बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं, क्योंकि आपके मेकअप को एक कंप्लीट लुक देते हैं। ब्रश की हेल्प से जो है ब्लशर बहुत अच्छे तरीके से लगता है गाइस, अच्छे से मर्ज हो जाता है, मर्जिंग अच्छी हो जाती है, दिस इज कॉल्ड मर्जिंग। तो ये मेरे चीक्स हैं और थोड़ा सा मैंने मिक्स करके भी लगा लेती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ी थोड़ी कॉन्टोरिंग भी, कॉन्टोर भी दिख रहा होगा आपको। तो कॉन्टोर क्या है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो बेसिकली गाइस आप देख सकते हो मेरे चीक्स थोड़े से हाइलाइटेड हो गए हैं, उभरे हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके फेस को बहुत अच्छा टच देते हैं। थोड़ा सा जो है अपने चीक्स पे भी लगा लेंगे। सो इट्स वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेकअप करना आई थिंक। सो बेसिक मेकअप वी शुड नो ऑलवेज। आप देख सकते हो मेरे चीक्स तरीके से जो है ब्लशर अप्लाई किया है अपनी स्किन पे स्विस ब्यूटी का। सो यू कैन ऑलवेज यूज योर दिस ब्रश। सो फ्रेंड्स, ब्लशर लगाने के बाद अब बारी आती है मेरे को अपने आईब्रोज को सेट करने की। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज की ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आईब्रोज को थोड़ा सा बना लेते हैं। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला, इसके साथ ब्रश भी मिलता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स आप मेरी पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी है, इससे लास्ट वीडियो में, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसके साथ आपको ये ब्रश मिलता है, तो ये टू वे है, इससे आप अप्लाई करेंगे और इससे जो है आप फिनिशिंग देंगे। अभी फिलहाल हम इसको यूज कर रहे हैं जिससे मैं अपने आईब्रोज को शेप दूंगी। तो मैं यूज कर रही हूँ लाइट ब्राउन, इसमें ये दो शेड्स हैं आप देख सकते हैं, तो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। ऐसा छोटा सा मिरर है तो ये बहुत काम आने वाला है, इससे जो क्या है क्लोजअप आपको मिल जाता है देखने में। हल्का हल्का करना है, देन उसको इससे अच्छे से स्प्रेड कर देना है गाइस। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो को एक अच्छी सी शेप मिल रही है और ये काफी अच्छी जो है उभरी हुई लग रही है। हमने ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल माइनर सा हमने करना है। अब आप देख सकते हो गाइस मेरी ये वाली आईब्रो ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हो रही है। इसके अकॉर्डिंग को जो है हम करेंगे ब्रश की हेल्प से एक अच्छा सा शेप देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है गाइस, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा जो है आपके आईब्रो शेप उसको फिल करेंगे हल्का हल्का। और फिर देन ये जो ये वाली साइड है इससे ऐसे स्प्रेड करेंगे तो आपकी आईब्रो अपने आप जो है सेट हो जाएगी। ये देखिए गाइस, देख रहे ना गाइस आप, इससे आप ब्रश से अगर ऐसे स्प्रेड करेंगे तो जो आपने अप्लाई किया था वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा आपके आईब्रो में। सी गाइस, दिख रहा ना डिफरेंस गाइस, बस सिंपल सा यही करना है आपको, इससे अप्लाई करना है, इससे जो है मर्जिंग करनी है, तो आईब्रो में आपके अपने आप शेप आ जाती है। सो मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप यूज करा है, पहले मेरी आईब्रोज दिख नहीं रही थी बिल्कुल भी, और अब मेरी आईब्रोज में एक शेप नजर आ रही है। अब हम अप्लाई करेंगे आई शेडो, बट आई शेडो अप्लाई करने से पहले आई गेस हमें मस्कारा यूज कर लेना चाहिए, मस्कारा यानी कि हमारी आई लैशेस के लिए, सो दैट मेरी आई लैशेस थोड़ी सी और अच्छे से दिखे। जैसे कि आप अभी देख सकते हो आई लैशेस है तो है मेरी, लेकिन थोड़ी कम है, बट अगर मैं आई शेडो लगाऊंगी तो मेरी आई लैशेस और अच्छे से दिखेंगी। सो आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का आई शेडो। कुछ नहीं करना हमें, बस हमें ऐसे करके हल्की सी आंख ओपन क्लोज
अच्छा ये हर लड़की के साथ होता होगा ना, कहीं जब हम मस्कारा लगाते हैं तो हमारे फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। कुछ नहीं करना हमने, ओपन क्लोज करना है इजिली, और अपने लोअर लैशेस में भी हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। ये देखिए गाइस, ये देखिए अब मेरी जो लैशेस हैं ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हो रही हैं। लोअर लैशेस को भी हम अच्छे से लगा लेंगे। सो आई गेस लैशेस मस्कारा भी मेरा अच्छे से लग गया है अब। सो फ्रेंड्स, आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आई शेडो। इसमें बहुत ही प्यारे एंड फॉर्मल कलर्स इंक्लूड हैं, लाइक ये सारे जो शेड्स हैं आप ऑफिस वगैरह में भी यूज कर सकते हो। पार्टीज वगैरह में तो डेफिनेटली ये चलने वाले हैं, बट ऑफिस यूजेबल भी हैं। तो मैं यूज करने वाली हूँ ब्राउन एंड गोल्डन, लाइक आप देख सकते हो दिस इज द ब्राउन एंड दिस इज द गोल्डन। इसको मिक्स करके जो है मैं लगाने वाली हूँ। तो पहले मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ। ब्राउन आई शेडो अप्लाई करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्रश। इसको आपको हल्का सा ऐसे अप्लाई करना है ब्रश की हेल्प से, थोड़ा सा गोलाई शेप देते हुए स्प्रेडिंग करनी है। एंड दिस इज कॉल्ड मर्जिंग, मैं मर्ज कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसे इसको स्प्रेड करना है, और मर्जिंग के लिए बस कुछ नहीं करना, आपको ऐसे लेफ्ट एंड राइट ब्रश को चलाना है जिससे कि ये मर्जिंग लगे पूरी अच्छे से मिक्स हुआ हुआ। नीचे की तरफ थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आईज क्लोज कर रही हूँ, दोनों में डिफरेंस दूसरे में करेंगे। नीचे की तरफ लगाएंगे पहले, लेफ्ट राइट करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे एंड इसकी मर्जिंग करेंगे। बिल्कुल लाइट हैंड से दबाना नहीं है हमने ब्रश को, बिल्कुल स्मूथली लाइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करेंगे। और यह हमारी ये आई शेडो लग के डन। सो इट्स वेरी सिंपल टेक्निक विच यू नीड टू फॉलो। हमने ज्यादा इसके ऊपर नहीं लेके जाना, बिल्कुल जो हमारा ये वाला एरिया होता है आई बॉल के ऊपर, बस इस वाले को जो है मर्जिंग करनी है। आई बॉल्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ गाइस, एज यू कैन सी मैं ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा रही। ओनली दिस एरिया, दिस एरिया कॉल्ड एंड दिस एरिया, सो यहाँ हमारी आई बॉल होती है, सिर्फ इसी के ऊपर जो है आई एम अप्लाइंग अ आई शेडो। आई मेकअप डन। इसको थोड़ा सा और अच्छी फिनिशिंग देने के लिए मैं इसके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर का शिमरी जो है इसमें एक ऑप्शन है, ये भी आप एड ऑन कर सकते हो। तो दिस इज शिमरी काइंड ऑफ, मैं इसको हल्का हल्का थोड़ा सा और एस्थेटिक लुक देने के लिए शिमर अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरा जो ब्राउन आई शेडो है वो और भी एस्थेटिक लग रहा है अब। सेंटर सेंटर में भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको पूरा मिक्स करके लगा रही हूँ गाइस। सो हियर माय आई मेकअप डन। बस आप ये जो ये मर्जिंग होती है ना, ये अच्छे से कीजिएगा, और सिर्फ आई बॉल पे कीजिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा। सो ये एक बेसिक सा लुक आपको क्रिएट करके देगा और बहुत प्यारा लगता है। अब मोस्टली आपके साथ क्या होगा, जब आप आई मेकअप करेंगे ना तो थोड़ा सा जो आई शेडो है वो आपके इस एरिया में गिरेगा, अभी आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का गिरा हुआ है। तो उसको कुछ नहीं करना, आपको ब्रश से ऐसे हल्का हल्का क्लियर कर लेना, स्किन पे आया था तो उसको हम उसकी हेल्प से क्लियर कर लेंगे। हियर माय आई मेकअप आल्सो डन, आई शेडो मेरा डन है। उसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे हाईलाइटर, थोड़ी सी हमारी चीक थोड़ी सी शाइनिंग करती हुई नजर आएगी, और थोड़ा सा नोज एरिया, उसके लिए मैं सेम स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर प्लस ब्लशर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर का पिंक कलर है, ये बेसिकली लाइट पिंक, उसको मैं यूज कर रही हूँ। फैन ब्रश की हेल्प से इसको यूज करेंगे। तो फैन ब्रश को इस तरीके से आप लेके जाएंगे, ये लग गया एंड यहाँ पे इस तरीके से, सो दैट मेरे चीक शाइन करें। क्लोज अप लुक दिखा देती हूँ गाइस। थोड़ा सा नोज पे भी लगाएंगे ताकि नोज हमारी शाइन करे।
मैंने थोड़ा सा तीखा वाला आईलाइनर लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हो शेप देके। I got, I guess my eyeliner also complete. Friends, अब हम apply करेंगे lipstick, जिससे कि overall आपका makeup को जो है final touch मिलता है और lipstick से final जो है आपको result दिखता है. So मैं apply कर रही हूँ pink color की lipstick. माय मेकअप इज डन और मैंने बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा मेकअप किया है. कर लेती हूँ तो फाइनली फ्रेंड्स आई हैव डन माई मेकअप. और आपने देखा मेकअप करना बहुत ही आसान है, बस अब आपको मेकअप अपनी जो बेसिक किट है उसको रेडी करना है एंड उसके बाद सिंपल जितने स्टेप हैं जैसे मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया उनको फॉलो करना है अच्छे से. एंड अभी आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल सटल मेकअप किया है एंड ना ज़्यादा है और ऐसा सिंपल मेकअप आई गेस आप भी इजीली कर सकते हो. सो दिवाली इज कमिंग तो आप ये वाला जो है बेसिक मेकअप अप्लाई कर सकते हैं ऑन योर फेस एंड डेफिनेटली यू लुकिंग मोर ब्यूटिफुल. एंड दिस इज़ अ नेचुरल मेकअप, यू कैन ऑल्सो से मिनिमाइज मेकअप जो है आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस. चलिए गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, बाय गाइज, सी यू.